नए SBI कार्ड के पिन जनरेट करने के लिए आपको SBI कार्ड वेबसाइट पे जाना है। यह है www.sbicard.com नाम से वेबसाइट मिलेगी आपको। इसमें आपको यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ क्लिक करने से आपको नेक्स्ट पेज दिखाई देगा, SBI कार्ड का होम पेज। इस होम पेज में आपको यहाँ पे नीचे की तरफ न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ ये ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक आपने अपने SBI कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है, इसलिए यहाँ आपको पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर किए बिना आप अपने SBI कार्ड की पिन जनरेट भी नहीं कर सकते हैं। आपको पिन जनरेट करने के लिए SBI कार्ड को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा, नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। इसमें आपको यहाँ पे आपका कार्ड नंबर डालना है, जो आपको नया SBI कार्ड प्राप्त हुआ है उसके कार्ड नंबर, यहाँ CVV नंबर और यहाँ डेट ऑफ बर्थ। यहाँ आप अपने कार्ड नंबर डालें। जैसे ये मेरे कार्ड नंबर हो गए, और उसके बाद यहाँ CVV नंबर डालें। CVV नंबर कार्ड के पीछे की तरफ 3 डिजिट के नंबर होते हैं, और उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरें। मंथ चूज़ करें, और उसके बाद तो हमने यहाँ कार्ड नंबर, CVV नंबर और ये डेट ऑफ बर्थ भर दी है। उसके बाद हम यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आपका नाम दिखाई दे जाएगा, आपकी ईमेल आईडी दिखाई दे जाएगी और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाई दे जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में आपको यहाँ पे एंटर OTP, तो जो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा वो आपको यहाँ डालना है। यदि भी OTP आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप रिसेंड OTP कर सकते हैं, और OTP यदि प्राप्त हो जाता है तो आपको यहाँ OTP डालना है। OTP डालने के बाद में आपको यहाँ नीचे की तरफ प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे यूज़र आईडी जो आप रखना चाहते हैं वो यूज़र आईडी आपको यहाँ भरनी है। ये यूज़र आईडी आप अपने हिसाब किताब से रख सकते हैं। अगर आपके द्वारा डाली गई यूज़र आईडी पहले किसी के द्वारा यूज़ नहीं की गई है तो यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो कि आप अपने हिसाब किताब से रखेंगे क्रिएट करने हैं, उसको वापस दोबारा कन्फर्म पासवर्ड करना है, यानी कि पासवर्ड को 2 बार डालना है। वो कम से कम 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक बड़ा अक्षर होना चाहिए और कम से कम एक छोटा अक्षर होना चाहिए, उसमें नंबर्स भी होने चाहिए और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, तभी जाकर वो पासवर्ड जो है वो अच्छा माना जाएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने के बाद में आपको नीचे दिया गया ये कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज दिखाई देगा, जिसमें आपको लिखा गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपका नाम आ जाएगा, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर SBI कार्ड ऑनलाइन। अब नीचे की तरफ दिया गया है लॉग इन नाउ, तो अब लॉग इन नाउ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपका ये लॉग इन कर सकते हैं आप अपने SBI कार्ड को। यहाँ आपको वो यूज़र आईडी जो आपने अभी क्रिएट की थी और पासवर्ड जो आपने बनाए थे वो दोनों ही चीज़ें यहाँ डालनी है आपको, और उसके बाद में इसको लॉग इन करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों डालने के बाद में आप यहाँ लॉग इन पर क्लिक करेंगे, और इस तरीके से आप अपने नए SBI कार्ड में लॉग इन हो जाएंगे।